नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत में समलैंगिक संबंध को प्राकृतिक नहीं माना जाता है, भारत में इस संबंध को अपराध माना जाता है। मगर आज धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरएसएस का बयान आया है। संगठन के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने कहा है, समलैंगिक संबंध प्राकृतिक नहीं है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। मगर आपको बता दें कि कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर गुरुवार 6 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की धारा 377 के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया जिसके तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। एलजीबीटी समुदाय सालों से इसे खत्म करने की मांग कर रहा था। फैसला पढ़ते वक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने धारा 377 को अतार्किक व मनमाना बताया। संविधान पीठ ने कहा, एलजीबीटी समुदाय को भी नागरिक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। आपको बताते हैं क्या है धारा 377 में। साल 1862 में ये धारा अमल में लाई गई थी। इसमें बेहद सख्त सजा के प्रावधान हैं। दोषी पाए जाने पर 14 साल जेल से लेकर आजीवन कारावास, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। आईपीसी की इस धारा में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को दंडनीय अपराध माना गया था। धारा के बारे में लिखा था, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पुरुष, महिला या पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।